नब्बे हजार की घड़ी है नब्बे हजार की अब आजकल यही बोल रहा भाई। है भाई नब्बे हजार की घड़ी है नब्बे हजार की तेरा घर जाएगा इसमें क्या फिर तो घर जाएंगा ओके <laughs> okay. अब हम बात करते हैं आई 14 सीरीज के लॉन्च इवेंट की जो कल हुआ भाई रात में एंड कल ही हमने 5 लाख ,00 सब्सक्राइबर का मार्क भी हिट किया है सो so, इस वीडियो में हम लोग सारी बातें आई 14 जो सीरीज हुई लॉन्च उसके बारे में बताने वाला हूँ एज वेल एज जो एयरपोर्ट 2 प्रो एंड एप्पल वॉच सारी चीजें मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ कम से कम टाइम में सो so, ही वो इस बार जही एंड दीज आर माई थॉट ऑन आई आई फोन सीरीज सो लेट्स वी तो सबसे पहले तो मैं आप तो को तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ भाई थैंक यू सो मच लाइक इट मीन अ लॉट हमने फाइव लैख सब्सक्राइबर की फैमिली अचीव कर लिया है विच इज क्रेजी भाई फाइव लैख सब्सक्राइबर्स हो गए हमारे ओके okay, ठीक है अब काम करते हैं भाई सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एप्पल इवेंट की जो कल हुआ भाई उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए देखो हम स्टार्ट करेंगे एप्पल वॉच से सो so, एप्पल वॉच सीरीज सेवन जैसे आप लोग देख रहे हो भाई ये सीरीज सेवन इन लोग ने पैंतालीस हजार के लॉन्च किया था अब इसका अपग्रेड सेम टू सेम ऐसे ही वॉच निकाला है सीरीज एट करके ऑलमोस्ट सारी चीजें ऑलमोस्ट नहीं नाइनटी नाइन परसेंट सारी चीजें सेम टू सेम है और एक्सटीरियर तो ऑलमोस्ट सेम टू सेम है एक्सटीरियर में कुछ भी चेंजेस नहीं है भाई फोर्टी फाइव एम एम एंड फोर्टी वन एम एम की वॉचेज है एंड उसके अंदर कुछ इंटीरियर चेंजेस है जैसे जो टेम्परेचर सेंसर है वो एड कर दिया गया है एंड फोर्टी वन एम की छोटी वाली वॉच है फोर्टी फाइव एम की बड़ी वाली वॉच है टेम्परेचर सेंसर के साथ में फीमेल हेल्थ के लिए बहुत सारे उसके अंदर एडिशनल फीचर एड किए लाइक टेम्परेचर सेंसर से वो लोग गेज करेंगे फीमेल की हेल्थ की ट्रैकिंग होती है उसमें बहुत सारी चीजें हैं जैसे ओवलूशन ट्रैकिंग एंड आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी ट्रैकिंग वगैरह सब कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड है तो बहुत मतलब एडवांस तरीके से इन लोग ने किया है प्लस इसके बाद हेल्थ के ऊपर से फॉल्ट डिटेक्शन आता था जैसे ये घड़ी के अंदर भी फॉल्ट डिटेक्शन है अगर चांस मैं गिर जाता हूँ कहीं पर तो ये घड़ी के अंदर इमरजेंसी कॉन्टेक्ट है उनको डायरेक्टली कॉल कर देगा मैसेज कर देगा लोकेशन

अलावा मुझे कोई एक्स्ट्रा अपग्रेड नहीं मिला और जो प्राइस है वो भी एक हजार रुपए बढ़ गई है फोर्टी सिक्स थाउजेंड से अभी स्टार्टिंग प्राइस हो गई है सो तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना भाई मुझे तो काफी महंगी लगती है बाकी एक सस्ती वाली वॉच भी निकाले उन लोग ने एसी करके एप्पल वॉच एसी उसके अंदर तो लाइक like, ऑलमोस्ट ना के बराबरी फीचर है जैसा पीछे वाला था वैसे ही इस बार भी है कुछ छोटी मोटी चीजें अपग्रेड करी है इस बार प्राइस तो लगभग सेम ही है तीस हजार रुपए का इंडिया में लॉन्च करा है इन लोग ने साइज जो है वो चालीस और चवालीस एम एम का है थर्टी थाउजेंड का प्राइस है स्टार्टिंग का और क्रैश डिटेक्शन भी एप्पल वॉच एसी के अंदर एड किया है बाकी जो गोट है सबसे बड़ी सबसे खतरनाक वॉच इन लोगों ने लॉन्च करी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में रेफरेंस दे रहा था ना कि भाई नब्बे की वॉच गड़ जाएगा वॉच जिसका नाम इन लोग ने रखा है एप्पल वॉच अल्ट्रा एंड भाई नेक्स्ट लेवल वॉच बनाई है उन लोग ने इस बार काफी मोटी है टाइटेनियम से पूरी वॉच बनाई है जो जैसे ये ये डिस्प्ले है ना साइड से थोड़ा सा, सा है तो थोड़ा सा इसमें टूटने का खतरा ज्यादा रहता है वो पूरा फ्लैट डिस्प्ले है सफायर क्रिस्टल वगैरह उसके अंदर तो बहुत क्रेजी बनाया है भाई बहुत ज्यादा रगेड बनाया है और आउटडोर में जो लोग ट्रैकिंग करते हैं यहाँ वहां जाते हैं उनके लिए बनाया भाई बहुत नेक्स्ट लेवल फीचर उसके अंदर दिया हुआ लाइक क्रैश डिटेक्शन है हंड्रेड मीटर तक के वॉटर प्रूफ दिया हुआ है उसके उसके अंदर अंदर लाइक जो स्कूबा डाइविंग वगैरह करते हैं उन के लिए है बहुत सारा फीचर है। तीन बटन है जैसे अंदर एक तो क्राउन रहता है एक बटन रहता है इधर पे और इस साइड में भी एक बटन दिया हुआ है स्पीकर माइक का बहुत सारा कॉम्बिनेशन है तो बैटरी लाइफ उसको ऑलमोस्ट डबल कर दिया थर्टी सिक्स आवर्स की बैटरी लाइफ कर दिया भाई नेक्स्ट लेवल है प्लस नाइट मोड है तो जो डिस्प्ले का पूरा सिस्टम है वो रेड रेड हो जाएगा तो एकदम इजिल आप इल्यूमिनेट होगा भाई और मिलिट्री एट टेन एच का सर्टिफिकेशन जो फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग के सारे फीचर है वो इसके

मतलब ऐसा बहुत ज्यादा आउटरेज प्राइसिंग नहीं है अगर आप टाइटी वॉच देखने जाओगे तो उसके हिसाब से प्लस जो दुनिया भर के फीचर्स है वो तो है ही है लेकिन भाई काफी एक्सपेंसिव है टू बी ऑनेस्ट बाकी उसके बाद जो ये एयरपोर्ट्स प्रो है अभी ये मेरे पास एयरपोर्ट्स प्रो फर्स्ट जनरेशन वाला है इसको मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ तो इसका अपग्रेडेड वर्जन आया है इसके अंदर हमको जो चिपसेट देखने को मिलती थी वो एच थी बहुत अच्छा ईयरफोन था खाली साउंड क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं थी लाइक अभी के टाइम पे पांच पांच हजार में भी ऐसे ईयरफोन आते हैं टी की बात कर रहा हूँ जो इससे बेटर साउंड क्वालिटी ऑफर करते हैं तो साउंड क्वालिटी इस बार इन लोग ने इंप्रूव किया प्लस जो चिपसेट है उसको चिपसेट डाला है उसके अंदर जो ये केसिंग है इसको भी वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग दी है केसिंग के नीचे के साइड में ना यहाँ पर देखो कुछ भी होल वगैरह नहीं है सिर्फ एक हमको लाइटनिंग पोर्ट देखने को मिलेगा लेकिन उसके अंदर नए वाले के अंदर हमको होल देखने को मिलेंगे एंड लेनियर्ड पोर्ट जैसा आप ये देखो ये है मैंने केस में लाकर तो वो लगा का उसके अंदर बिल्ट डायरेक्टली उसके अंदर रस्सी उसको बांध के रख सकते हो स्पीकर वगैरह है उससे तो आप फाइंड माई के थ्रू केस भी ढूंढ सकते हो प्लस जो ईयरबर्ड्स है उसको तो अलग से ढूंढ ही सकते हो तो बहुत तगड़ा फीचर फीचर्स वगैरह उसके अंदर दिया हुआ है बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स है लाइक आपके कान को स्पेशलाइज स्पेशल ऑडियो अगर चाहिए तो कान को स्कैन करना पड़ेगा जो फेस आईडी का फिर आपके लिए अलग से पूरा प्रोफाइल क्रिएट करेंगे ताकि आपके हिसाब से एकदम पर्सनलाइज ऑडियो क्वालिटी आपको मिले विच क्रेजी भाई बहुत तगड़ी तगड़ी फीचर यहाँ पर है बेटर लाइफ भी इंप्रूव करा जो एक्टिव एक्टिवेशन है उन लोग बोल रहे अप टू टाइम्स बेटर है इससे एयरपोर्ट्स प्रो से एंड प्रो का जो एनसी है वो इंडस्ट्री लीडिंग है अभी तक के इससे अच्छा

बेचारे जो मिनी सीरीज है वो जा चुकी है अब भूल जाओ छोटे फोन तो आपको मिलने वाले नहीं है नॉर्मल फोर्टीन आया है फोर्टीन प्लस आया है जी हाँ जैसे ये आप लोग प्रो मैक्स देख रहे हो जो इसकी साइज है सेम साइज सेम डिस्प्ले सब कुछ सेम जो ये आप देख रहे हो ना ये समझ लो फोर्टीन प्लस ही है सेम नॉच रहेगी खाली यहाँ पर जो तीन कैमरा है उसकी जगह सिर्फ दो कैमरा रहेगा डायग्नल जैसा आईफोन थर्टीन में था सेम ऐसा ही फोन वो भी होने वाला है खाली इसके अंदर स्टेनलेस स्टील की जगह इस बार वो यूज करेंगे जैसे इसमें स्टेनलेस स्टील है तो उसमें एल्युमिनियम की बॉडी रहेगी ये डिफरेंस है प्लस जो प्रोसेसर है इसके अंदर ए फिफ्टीन चिपसेट फाइव जीपी कोर वाला सेम प्रोसेसर उसके अंदर भी होगा जो फोर्टीन एंड फोर्टीन प्लस होगा जो फोर्टीन होगा वो सिक्स पॉइंट वन इंच स्क्रीन के साथ में है और जो 14 प्लस है वो 6.7 इंच के स्क्रीन के साथ में आई होप थोड़ा सा वेट कम हो तो अच्छा होगा भाई इसका जो वेट है 240 ग्राम था प्रो सीरीज का अभी भी वेट 240 ग्राम है लेकिन जो iPhone 14 प्लस होने वाला है थैंक गॉड भाई उसका वेट 200 ग्राम है मतलब आपको बड़ा फोन भी मिलेगा प्लस बल्कि भी नहीं होगा तो दोनों का एक बैलेंस है लेकिन भाई यहां पर वन ट्वेंटी की तरफ उसके अंदर भाई रिफ्रेश रेट है है तो वही चीज बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है थोड़ा सा कैमरे का सेंसर हो गया है थर्टीन के में प्रो की बात नहीं कर रहा हूं मैं फ्रंट कैमरा भी थोड़ा सा इंप्रूवड है बाकी सेम टू सेम जैसी कुछ इस तरह की नॉच उसमें भी होने वाली है फोर्टीन एंड फोर्टीन प्लस के अंदर एंड बाकी तो सारी चीजें सेम ही होगी आई होप अच्छा लगे मजा आएगा एंड जहां तक के मेरा अंदाजा भाई नब्बे हजार रुपए का फोर्टीन प्लस लॉन्च होगा अस्सी हजार रुपए का फोर्टीन लॉन्च होगा तो जो नब्बे हजार की सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन वही होने वाला है दो दिन बैटरी लाइफ बैटर चलती है फोन को सिक्सटी पे आप चलाओगे तो कितनी बैटरी चलेगी भाई नेक्स्ट लेवल बैटरी लाइफ मिलने वाली है जो फोर्टीन प्लस होने वाला है बाकी इतना ही था अपग्रेड ऐसा कुछ मेजर अपग्रेड ये इवेंट में, में को देखने को नहीं मिला फोर्टीन नॉर्मल सीरीज में अब हम बढ़ते हैं प्रो सीरीज है भाई यहां पर तगड़े तगड़े फीचर तगड़े तगड़े इनोवेशन किए भाई इन लोग ने सबसे पहले जो नॉच है ये वाली ये प्रो सीरीज अब आए तो मेरे पास थर्टीन प्रो तो ये जो नॉच आप लोग यहां पर देख रहे हो इसको हटा के इन लोग ने जो पिल शेप कटआउट है वो दे दिया है और वो पिल शेप जो कटआउट है उसका नाम इन लोग ने डायनेमिक आइलैंड रखा है एंड भाई एप्पल से कोई सीखे लिटरली कैसे काम किया जाता है वो डायनेमिक आइलैंड के अंदर इन लोग ने उसको फीचर बना डाला मतलब वो एकदम अजीब सी चीज उसको फीचर बना डाला उसके अंदर आजू बाजू में अलग अलग इंटरक्टिव विजिट जैसे आप कुछ भी खोल रहे हो तो यहाँ पर साइड में उसका पूरा एनिमेशन आ जाएगा कुछ भी ऐप यूज कर रहे हो तो मल्टीपल एप्स आप एक साथ वहां पर दिखा सकते हो मतलब थोड़ा सा अलग है डायनेमिकली वो चेंज होता रहता है काफी जबरदस्त फीचर भाई लाइक आप फेस आईडी देख रहे हो तो फेस आईडी का पूरा ऑप्शन वहां पर बन के ऐसा लगेगा भाई आपके फोन का ही पार्ट है वो प्लस जो आइकॉनिक लुक है कि भाई तेरे तो पास वो पिल शेप है तो मतलब भाई तू बड़ा आदमी है तू प्रो सीरीज घूम रहा क्योंकि महंगा भी है बहुत ज्यादा प्लस जो साइज है वो सेम है इंच इंच का स्क्रीन है बट जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगी

अब सबसे बड़ी चीज की तरफ बढ़ते हैं अभी तक के जितने कैमरास थे जो ये आप लोग आई फोन थर्टीन प्रो मैक्स देख रहे हो उसके अंदर सब 12 मेगापिक्सल की कैमरा है लेकिन इस बार चेंज हो गया है 64 ऑलमोस्ट इंप्रूव हो गया है जो कैमरे का सेंसर का साइज है वो बढ़ गया है और जो मेन सेंसर है 48 का भाई क्रेजी साइज मतलब सोचो बारह मेगा पिक्सल अड़तालीस मेगा पिक्सल पे जंप मारा है कितने सालों बाद लेकिन फाइनली जंप मारा है और बहुत बड़ी बड़ी प्रॉमिसे बहुत ज्यादा इंप्रूव कैमरा होगा वो तो आएगा तो हम टेस्ट करेंगे प्लस इसके साथ कंपेयर भी करेंगे तो उसके लिए तो आप बने रहना बाकी जो दो कैमराज है एक अल्ट्रा वाइड और एक टेलीफोटो थ्री एक्स वाला वो 12 है फ्रंट में भी भी है है लेकिन उसका इंप्रूव हुआ है। प्लस उसके अंदर ऑटो फोकस भी आया है। ये दोनों के अंदर रहेगा फोर्टीन एंड फोर्टी प्रोसेस में जो आउट ऑफ फोकस वाला सिस्टम है बाकी जो रियर कैमरे में जो थ्री वाला मोड है वो भी अच्छा इंप्रूव हुआ है इवन वाइड एंगल जो कैमरा है वो भी इंप्रूव हुआ है एंड बोला जा रहा है जो वाइड एंगल कैमरा है ये काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है आई होप अच्छा होगा बाकी जो मेन सेंसर है वो 48 एट है तो उसको क्रॉप करोगे ना आप जब 12 मेगा पिक्सल पे तो टू एक्स जूम ऑटोमेटिकली आएगा मतलब वो सेंसर पे क्रॉप आएगा उसको लाइक ऑप्टिकल जूम जैसा होता है ना तो 12 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल जूम होगा दैट मींस ओवरऑल अगर मैं सार बताऊं 0.6x मिलेगा अल्ट्रा वाइड मिलेगा का फिर 1x मिलेगा मेन 48 मेगापिक्सल फिर Way, वो जो 48 जब फोटो खींचोगे तो आपको 12 मेगा पिक्सल की इमेज मिलेगी फोटो जो पिक्सल बीनिंग करके सिंपल सी बात है लेकिन आप जूम करोगे ना तो 2x भी जूम होगा और वो भी प्रॉपर 12 मेगा पिक्सल होगा विदाउट एनी क्वालिटी लॉस खाली सेंसर में क्रॉप होगा विच इज क्रेजी भाई बहुत तगड़ा फीचर है ये आई होप अच्छे से काम करे भाई उसके बाद थ्री वाला जूम लेंस है भाई सो ओवरऑल जबरदस्त मेरे को अच्छा लगा भाई यहाँ पर सो so, सबसे ज्यादा उम्मीद है तो मुझे कैमरा से ही है इस फोन के आई होप कि कुछ ऐसा तगड़ा हो कि भाई आप डीएसआर वगैरह भी रिप्लेस कर सके उससे मे बी आई डोंट नो क्योंकि भाई सिनेमैटिक मोड जो है इसका एप्पल का उसको भी इम्प्रूव किया है फोर के ट्वेंटी फोर एचपीएस तक के आप शूट कर सकते हैं सिनेमेटिक मोड में जो बैकग्राउंड ब्लर वाला आता है उसको बहुत ज्यादा इंप्रूव करने को ऐसा बोले उन लोगों ने अब वो तो हमारे पास आने के बाद ही मालूम पड़ेगा एंड इन लोग ने एक एक्स्ट्रा मोड डाले हैं एक्शन मोड करके और जो आप ऐसा फोन को हाथ में लेके भागोगे ना तो भी उसके अंदर जर्क वगैरह मोशन वगैरह बहुत कम देखने को मिलेगा ट मीस बहुत ज्यादा तगड़ा क्या बोलते हैं गिम्बल वगैरह होता ना उसके टाइप का स्टेबिलाईशन देखने को मिलेगा which is crazy भाई तो. Let's see, बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई हमको फाइनली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है तालिया बजनी चाहिए भाई काफी सालों बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिला है वो भी बहुत तगड़ा वन अर्ट से वन ट्वेंटी डिस्पले जाएगा दैट मीस बैटरी लाइफ भी ज्यादा कंज्यूम नहीं होगी काफी अच्छी चीज है भाई और एक वेयर सी चीज जो यूएस में मॉडल बिकने वाले हैं आईफोन 14 सीरीज के किसी के अंदर भी सिम कार्ड का स्लॉट नहीं होगा इंडिया में होप फुली हो एंड मोस्ट प्रबली रहेगा ही क्योंकि यूएस कनाडा में खाली बिना सिम स्लॉट के मिलने वाला तो जो लोग पहले से सोचते हैं कि भाई हम यूएस वाला मॉडल मंगएंगे अब सोच लेना बेटा सिम कार्ड स्लॉट ही नहीं मिलना यूएस वाले मॉडल में <laughs> तो फिर आपको दोनों ई सिम ही यूज करना पड़ेगा बाकी प्राइजेस जो है वो यूएस में सेम है हजारों डॉलर और ग्यारह सौ डॉलर अब हजारों डॉलर और ग्यारह सौ डॉलर अगर आप सौ से भी उसको करते हो ना तो हजार डॉलर मतलब लाख रुपया होता है सौ से मल्टीप्लाई करते हो तो लेकिन भाई यहां पर एक से मल्टीप्लाई कर रहा है एप्पल वाला सोचो एप्पल वाले के लिए एक डॉलर होता है सौ डॉलर का मतलब सोच लो एक लाख तीस हजार रुपया बेस वेरियंट आईफोन फोर्टीन प्रो का एंड एक लाख चालीस हजार रुपया बेस वेरियंट आई फोन फोर्टीन प्रो मैक्स का भाई बहुत क्रीजी प्राइसिंग है और वेट भी कम नहीं किया भाई इन लोग ने जो ये प्रो मैक्स है इसका वेट टू हंड्रेड एंड फोर्टी ग्राम है और जो नॉर्मल प्रो है उसका वेट 206 हंड्रेड एंड सिक्स ग्राम है बहुत क्रेजी हैवी है दोनों फोन भी बाकी और कुछ लाइनअप में इनके फोन है जिनकी प्राइस थोड़ी सी कम हुई iPhone आईफोन थर्टीन सत्तर हजार में मिलेगा आईफोन ट्वेल्व जो है वो साठ हजार में मिलेगा आईफोन एसी थ्री वो लगभग लगभग पचास हज़ार में मिलेगा ये एप्पल का ऑफिशियल प्राइसिंग है लेकिन आपको मालूम है भाई बीबीडी वगैरह आने वाला है इतनी सारी सेल आने वाली है द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल वगैरह उसके अंदर तो कचरे के माफिक बिकने वाले आईफोन तो इन्जॉय करना बाकी इतना ही था एंड वंस सकेंड थैंक यू सो मच यार आपने सब्सक्राइब कर करके कर 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 करके कर करके -कर। पाँच लाख सब्सक्राइबर अचीव करवा दिए हमारे एंड इसी तरीके से चलो वन मिलियन हिट करते हैं भाई सब्सक्राइब कर लो अगर अच्छा लगा बाकी इतना ही था इस वीडियो में आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो गाइज बाय